नवरात्रि देवी उपासना का मुख्य पर्व है। साल में चार नवरात्रि आती है, जिसमें दो गुप्त है और दो प्रकट नवरात्रि। इस समय में अनुष्ठान, पूजा, मंत्र जप द्वारा आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए विविध उपचारों से भगवती की पूजा की जाती है। आज हम दुर्गा उपासना, देवी उपासना में तुरंत प्रभावशाली शक्तिशाली विधान की चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में हम उस विधान की चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है माता की उपासना से पूर्ण चैनल डिवाइन देवी में। आज हम जिस महाप्रयोग की बात करने वाले हैं, वो इतना शक्तिशाली प्रयोग है जिसके माध्यम से ग्रह पीड़ा, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, भय एवं दुर्भाग्य का नाश होता है। यह इतना प्रभावशाली प्रयोग है जो आपको भयंकर महापीड़ा एवं तकलीफों से छुटकारा दिलाता है एवं भगवती की कृपा प्राप्त होती है। चंडी हवन एक प्राचीन परंपरा है जो देवी उपासना में अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। आज हम इस विधान की महत्ता, पूजन विधि एवं विधान के प्रयोग के बारे में जानेंगे। मार्कंडेय पुराण में देवी उपासना के लिए देवी कृपा जल्दी से प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का विधान दिया गया है। 700 मंत्रों से युक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद समाप्ति पर हवन किया जाता है। इससे चंडी विधान कहते हैं, जो तीन महाअध्यायों में विभाजित है, जो है प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र एवं उत्तम चरित्र, जो 13 अध्यायों से मिलकर बना है। यह पाठ करने के बाद चंडी हवन किया जाता है। चंडी विधान चार भागों में बटा गया है, जो है नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्षचंडी। इस विधान में पहले हम बात करेंगे शतचंडी की। शतचंडी के विधान में सप्तशती के 100 पाठ करते हैं। पाठ के शुरुआत एवं अंत में नवार मंत्र का 100 बार जाप किया जाता है, जो संपूरित कहा जाता है। यह विधान कुछ जगह 5 तो कुछ जगह 7-8 दिन का होता है, जिसमें शतचंडी महायज्ञ की शुरुआत में घट यात्रा, इसके बाद घट स्थापन होता है, पंचांग पूजा, ब्रह्मवरण, मंडप देवता का पूजन, रामचरित पाठ व श्रीमद देवी भागवत का पाठ का प्रारंभ होता है। अरणि वृक्ष की लकड़ी से अग्नि का प्राकट्य होता है। यज्ञ के अंतिम दिन पूर्णाहुति पूजन, ब्रह्म पूजन, कन्या बट भोजन, महाप्रसाद दिया जाता है। अब हम जानेंगे सहस्त्र चंडी के बारे में। राज्यनाश, महाउत्पात, महाभय, महामारी, शत्रु भय, रोग भय इत्यादि संकटों के निवारण हेतु सहस्त्र चंडी प्रयोग होता है, जिसमें 100 ब्राह्मण को बुलाकर सप्तशती के सहस्त्र यानी कि 1000 पाठ किए जाते हैं एवं हवन किया जाता है। लक्ष्य चंडी बहुत बड़ा यज्ञ होता है, जिसमें दुर्गा सप्तशती के 1,00,000 पाठ किए जाते हैं। यह पूजा अनुष्ठान बहुत ही दुर्लभ एवं अद्वितीय है। यह विधान के लिए ब्राह्मण एवं दिन की संख्या के हिसाब से 1,00,000 सप्तशती पाठ एवं हवन किया जाता है। उपरोक्त तीन विधान सामान्य मनुष्य के लिए अत्यधिक दुष्कर है, जिसमें समय एवं भौतिक संसाधनों की कमी से सामान्य मनुष्य के लिए यह पूरा कर पाना संदेह युक्त है। परंतु चंडी विधान में नवचंडी विधान सामान्य मनुष्य की सरलता से पूर्णता के लिए हो सकता है। हम बात करेंगे नवचंडी विधान की। इस विधान में प्रतिदिन क्रमानुसार सप्तशती का पाठ करने के बाद 9वें दिन हवन किया जाता है एवं एक दिन में भी यह विधान पूर्ण किया जाता है, जिसमें 9 ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठ एवं 1 ब्राह्मण द्वारा शरण रुद्राष्टाध्याय का पाठ एवं 1 ब्राह्मण के द्वारा क्रमानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। नवचंडी विधान सरल है एवं आर्थिक रूप से भी यह अनुकूल है। नवचंडी यज्ञ नव दुर्गा पूजा है। नवचंडी पूजा में यंत्रस्थ कलश, श्री गणेश स्थापन, नवग्रह स्थापन, मातृका स्थापन, वास्तु पूजा, सप्तऋषि पूजा, 64 योगिनी पूजा, क्षित्रपाल पूजा, 10 दिक्पाल का वैदिक पूजन होता है, 11 ब्राह्मणों द्वारा पाठ एवं नांदी श्राद्ध होता है। इसके बाद में नवार्ण मंत्र एवं सप्तशती के मंत्रों से हवन किया जाता है। नवचंडी में नवार्ण मंत्र की मुख्य आहुतियाँ होती है। सप्तशती के कुछ कामना मंत्रों से एवं अध्याय के अनुसार आहुति दी जाती है। इसके अलावा लक्ष्मी होमम, मृत्युंजय होमम, शांति होमम जैसे विशिष्ट होम किए जाते हैं। उपरोक्त देवताओं के आवाहन पूजन से घर की नकारात्मकता का नाश होता है, घर में शांति हो जाती है। जिस घर का वास्तुदोष हो उसका भी समन हो जाता है।
भूत प्रेत पिशाच जैसी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। विशिष्ट मनोकामना हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नव चंडी से धन प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, शत्रु नाश, आसुर शक्तियों का नाश होता है। इस महाप्रयोग से रुका हुआ कार्य भी सिद्ध होता है। लोग अपने परिवार को शैतान भूत प्रेत से बचाने और भूमि और घर को शुद्ध करने के लिए नवचंडी होम करते हैं। प्राचीन समय में राजा, देवता एवं राक्षस नियमित रूप से ऊर्जावान होने के लिए एवं विशिष्ट शक्ति प्राप्त करने के लिए इन यज्ञ का प्रयोग करते थे। यह यज्ञ विधान विशेष ब्राह्मण द्वारा हो सकता है। यह ब्राह्मण विद्वान पंडित होते हैं। कात्यायनी तंत्र के अनुसार नवचंडी यज्ञ 3 बार करने पर काले जादू के प्रभाव से मुक्ति होती है। यह यज्ञ को 5 बार करने पर ग्रहों की समस्या से छुटकारा प्राप्त होता है। यह यज्ञ 7 बार करने पर भय से छुटकारा प्राप्त होता है। 9 बार करने पर शांति प्राप्ति होती है। इस यज्ञ का कुल खर्च 13,000 से लेकर 50,000 तक का होता है। व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार इस यज्ञ हवन का विधान संपन्न करा सकते हैं। इस विधान को करने का शुभ समय है नवरात्रि। साल की 4 नवरात्रि है, जिस माघ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, अषाढ़ नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि है। इस समय शक्ति एवं माता की योगिनियां जागृत होती है। ऐसे में इस विधान का विशेष फल प्राप्त होता है। इस हवन से विशिष्ट तरंगे निकलती है जो मनुष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है एवं पाठक के चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। नियमित तौर पर जपात्मक नवचंडी करने पर देवी एवं योगिनियां भक्त की हर प्रकार से रक्षा करती है। यह विधान की पूर्णाहुति होने के बाद एवं नव दुर्गा के प्रतीक रूप कन्याओं का कन्या भोज एवं भैरव जी एवं गणपति पूजन के प्रतीक रूप बटुक को भोजन करवाया जाता है। नवचंडी अनुष्ठान पूजा माता को साक्षात बुलाने का अनुष्ठान है। यह हवन के माध्यम से भगवती का पूजन किया जाता है। माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए इस नवरात्रि में देवी उपासना का संकल्प करें। आपसे प्रार्थना है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ऐसे ही जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा मिले। धन्यवाद। जय माता जी।